सब्सक्राइब कीजिए जीकेडी टेक्नोवर्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, हमारा जो आज का वीडियो है, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एक एनिमेशन बनाने के लिए काफ़ी बड़े सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से आप अपना खुद का एनिमेशन बना पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपने फ़ोटोज़ का वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सा ऐप है और उस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और जीकेडी टेक्नोवर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं जिस ऐप की बात कर रहा था, आप उस ऐप का आइकन यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये ऐप आपको प्ले स्टोर में बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ये ऐप ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एडिट कैप्चर, और उसके नीचे आपको चार ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना खुद का एनिमेशन कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने फ़ोटो के कलेक्शन से अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको जो नीचे चार ऑप्शन दिख रहा है तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, FX कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको सारे के सारे एनिमेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पहले से ही कुछ एनिमेशन डाउनलोड कर रखा है। मान लीजिए अब हमें ये वाला एनिमेशन अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं नीड फॉर स्पीड, उसके ठीक नीचे आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग का बटन मिल जाएगा, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एनिमेशन वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, जैसे ही ये रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड हो जाने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है आपको वापस रिकॉर्ड करना है या फिर डन करना है। अगर आप डन करेंगे तो ये जो भी अभी वीडियो था वो रिस्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डन कर देते हैं। डन करने के बाद हमारा ये जो भी वीडियो अभी बना वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और भी बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों, इस तरह से आप कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके फ़ोटो कलेक्शन है और आप उस फ़ोटो कलेक्शन का वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ऊपर दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एडिट और कैप्चर। तो यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप अपने गैलरी में चले जाएंगे। अगर आपको फ़ोटोज़ जो भी आपको फ़ोटोज़ चाहिए, मान लीजिए मुझे कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा वीडियो चल पड़ा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ का वीडियो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप अलग अलग इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप म्यूज़िक भी इसमें सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर होने के बाद आप ऊपर सिंपली आपको वहाँ पर सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा फ़ोटो से वीडियो में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो दोस्तों, जैसे ही सेव होगा तो दोस्तों इस तरह से आप एनिमेशन के साथ साथ आप अपना फ़ोटो तो दोस्तों इस तरह से आप अपने एनिमेशन बनाने के साथ साथ अगर आपके फ़ोटो का कलेक्शन है तो आप इस
उसके साथ साथ ही वीडियो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।